हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। तो 20 MCQ चैलेंज के अंदर आज हम करें क्लास 11th का बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, लिम्फ इज मॉडिफाइड ब्लड दैट कंटेन्स, ऑप्शन दिया गया RBC एंड WBC, RBC, WBC एंड प्रोटीन, WBC एंड ऑल प्रोटीन, एंड ऑप्शन डी है ऑल कंटेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट RBC एंड सर्टेन प्रोटीन्स। तो लिम्फ जो है वो कैसे बनता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा प्योर NCERT है ये, ऑल कंटेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट RBC एंड सर्टेन प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ABO ब्लड ग्रुपिंग, ऑप्शन दिया गया फर्स्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ऑप्शन बी है कंपेटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजेंस ए एंड बी ऑन द WBC, एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस ए एंड बी ऑन द RBC। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसीलिए लिया है क्योंकि आपने ये तो पढ़ा है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजेंस ए एंड बी ऑन द, तो जल्दी जल्दी में क्या करोगे आप प्रेशर के अंदर, यहाँ पे इतना ही पढ़ने के बाद हाँ यही करेक्ट है, और WBC नहीं अगर पढ़ा तो आपने जो है वो गलत कर दोगे। यहाँ पे याद रखना कि RBC के ऊपर होते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। अभी भी बता रहा हूँ आपको कि जल्दबाजी में कभी भी क्वेश्चन को आधा अधूरा नहीं पढ़ना चाहिए, कंप्लीट पढ़ना चाहिए हर एक ऑप्शन को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When the blood of a fetus is accumulated by its mother Rh antibodies, then which of the following condition arises as a sarcopenia? Option A है immunization, B है ectopic pregnancy, C है erythroblastosis, fetalysis, and option D है both B and C। Pure NCERT question है, Rh factor के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका correct answer आएगा क्या option C erythroblastosis fetalysis। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन बाय द थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के अंदर कौन सा कैटायन रिक्वायर होता है, Cu+2, Fe+3, Fe+2 या फिर Ca+2। ओके, कॉपर, आयरन या फिर कैल्शियम, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या कैल्शियम, ऑप्शन डी कैल्शियम जो है कैटायन वो रिक्वायरमेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन टू कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग ऑफ ओरिकल्स इनटू वेंट्रिकल्स ऑन द राइट साइड इज गार्डेड बाय विच वॉल, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिल्यूनर या फिर मेट्रल वॉल। राइट साइड पूछा है उन्होंने ओरिकल और वेंट्रिकल के अंदर कौन से गार्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए ट्राइकस्पिड वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट हर्ट साउंड इज, ऑप्शन ए है लब साउंड प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ सिस्टोल, बी है डब साउंड प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ सिस्टोल, सी है लब साउंड प्रोड्यूस्ड एट द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, एंड ऑप्शन डी है डब साउंड प्रोड्यूस्ड एट द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। तो यहाँ पे ये प्योर NCERT क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए आपका, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी द लब साउंड प्रोड्यूस्ड एट द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक साइकिल इन मैन टेक्स अबाउट 0.5, 1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड या 0.8 सेकेंड। बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी क्वेश्चन है ये, कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, वन कार्डियक साइकिल के अंदर 0.8 सेकेंड्स लगते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पी वेव ऑफ ECG अकर्स बिफोर द, पी वेव जो होती है ECG के अंदर वो कब होती है, ऑप्शन ए है ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, एंड ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, बिगनिंग ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन या फिर डी है नन ऑफ द अबाउ, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पी वेव होती है बिगनिंग ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन में स्टार्ट हो जाती है, तो यहां पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD इज ऑफन रेफर्ड टू एज हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर एंजिना। बहुत ही आसान है, डिसऑर्डर के अंदर लास्ट में दिया हुआ है, प्योर NCERT है इसका, आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए CAD ऑल्सो रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्मल ECG, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है पेशेंट इज कनेक्टेड टू 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 to each wrist एंड टू द लेफ्ट एंकल, बी है टी वेव रिप्रेजेंट द एट्रियल रिपोलराइजेशन, सी है क्यू मार्क द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल
एंड डी है आर रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो यहां पे इन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, प्योर एनसीईआरटी है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो यहां पे देखिए जो टी वेव होती है वो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को दिखाती है, नॉट एट्रियल रिपोलराइजेशन। टी वेव किसको दिखाती है? आपके वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन आर्टरी। आर्टरी के लिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन बतानी है। ऑप्शन ए है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू द अनदर विसरल ऑर्गन। ऑप्शन बी है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। सी है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। एंड ऑप्शन डी है, इट ब्रेक्स अप इनटू कैपिलरीज विच रीयूनाइट टू फॉर्म ए वेन्स। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन आर्टरीज की क्या हो सकती है? बेस्ट डेफिनेशन हो सकती है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कॉलम वन इज करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। ओके, तो यहां पे कॉलम वन और कॉलम टू दिए गए हैं, हमें यहां पे बताना कि किसका फंक्शन जो उसके साथ मिलता है ऑर्गन के साथ। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, स्ट्रा कलर्ड फ्लूड दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड ब्लड सेल्स। बी है हर्ट, साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस अकर। ऑप्शन सी है कैपिलरी, ए रेड कलर फ्लूड दैट प्रोवाइड फूड टू द सेल्स। एंड ऑप्शन डी है ब्लड, पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। फर्स्ट जो ब्लड होता है वो पंपिंग स्टेशन ही, अगर यहाँ पे हार्ट होता तो ये करेक्ट होता, इनकरेक्ट। कैपिलरीज रेड कलर फ्लूड नहीं है, वहां पे ब्लड होता तो भी करेक्ट होता, यहाँ पे इनकरेक्ट। हार्ट साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस अकर, जी नहीं, हार्ट के पास नहीं होता, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो यहाँ पे प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रा कलर फ्लूड होता है, तो यहाँ पे ये जो करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पे फिगर दी गई, यहाँ पे लंग्स, हार्ट और यहाँ पे दिया गया है बॉडी टिश्यू। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 1, 2, 3, 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच मार्क नंबर 1, 2, 3। हमें यहाँ पे बताना है कि 1, 2, 3 जो हमें दिए हुए उनका नाम क्या है। फर्स्ट दिया गया फर्स्ट आर्टरी, ये बोल रहे कि फर्स्ट जो है वो आर्टरी है। सेकंड में दिया है सेकंड पल्मोनरी वेन, ये बोल रहे कि जो ये सेकंड नंबर वन ये है ये पल्मोनरी वेन है। थर्ड में बोला जा रहा है कि पल्मोनरी आर्टरीज, जो थर्ड है ये पल्मोनरी आर्टरीज है। एंड फोर्थ बोल रहे हैं कि ये वेन्स है, तो ये फोर्थ बोला जा रहा है कि ये वेन्स है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो ये बोल रहे हैं आर्टरी, आर्टरी नहीं हो सकती, ये वेन्स हो सकती है, क्योंकि टिश्यू से हार्ट की तरफ लेके जा रही है, तो इनकरेक्ट है। पल्मोनरी वेन, यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन नहीं है, ये आर्टरी है, तो ये जो इनकरेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। थर्ड बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी, थर्ड यहाँ पे ये जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड लेके जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये हमारा करेक्ट है, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। फोर्थ के अंदर इन्होंने वेन बोला है, जी नहीं, वेन नहीं आएगा यहाँ पे, पल्मोनरी वेन्स आएगा, तो यहाँ पे ये जो है ये इन्होंने गलत बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कार्डियक आउटपुट इन लीटर पर मिनट ऑफ ए हार्ट दैट हैज ए स्ट्रोक वॉल्यूम 0.07 लीटर एंड इज बीटिंग एट ए रेट ऑफ 90 per minute। ओके, यहाँ पे हमें स्ट्रोक वॉल्यूम दी है, ओके, और हार्ट बीट दी है, और हमसे पूछा कि कार्डियक आउटपुट कितना होगा। सेम इसी टॉपिक से जो है, इसी फॉर्मूला से नीट 2019 के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, क्या ये स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट। ओके, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला होता है इसका, ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया है लाइन के अंदर। हमसे पूछा क्या है, कार्डियक आउटपुट पूछा है, हमें जो स्ट्रोक वॉल्यूम दिया वो कितना दिया है 0.07, हार्ट बीट कितनी दी है 90, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.3। आंसर कितना आएगा, कार्डियक आउटपुट कितना आएगा हमारा 6.3 लीटर। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देख लेना हमें, तो 6.3 लीटर का जो है वो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंजिना, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अरेस्ट या फिर हार्ट फेलियर। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। ये तीन जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है डिसऑर्डर के अंदर से, प्योर एनसीईआरटी है। वहाँ पे हार्ट फेलियर की डेफिनेशन के अंदर ये लिखिए, द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिव इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब जो है हमारे AIPMT या फिर नीट के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले AIPMT 2012 जो मेंस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है,
Which one of the following human organ is often called as the graveyard of RBC? Graveyard of RBC किसे बोलते हैं? Gallbladder, kidney, spleen या फिर liver को? Pure NCERT है ये. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा? Spleen. Spleen को क्या बोला जाता है? Graveyard of RBC बोला जाता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2015 से जो कि एग्जाम पहले हुआ था, कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा एग्जाम लिया गया था, तो जो कैंसिल हुआ था वहां से हमारा क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट बताना है कि कौन सा है. ऑप्शन ए दिया गया लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी. बी दिया गया है ब्लड प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स. ऑप्शन सी दिया गया प्लाज्मा ब्लड माइनस लिम्फोसाइट. एंड डी दिया गया सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रोनिजन. ओके, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए ऑप्शन बी. जो ब्लड होता है उसके अंदर प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब होते हैं, उसी को हम ब्लड बोलते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मेंस 2010 एआईपीएमटी मेंस 2010 के अंदर आ चुका है. फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटीरियल मेडिसिन एंड विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू द ओके. यानी हमें कोई इंजेक्टेबल मटीरियल या मेडिसिन देनी है तो वहां पे हम उसे कहां पर इंजेक्ट कर सकते हैं? मसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में या फिर लिम्फ वेसल्स के अंदर? तो यहाँ पे इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए. थोड़ा सा लॉजिकल है, बहुत बच्चों का आंसर यहाँ पे गलत भी आ सकता है. आप हमें कमेंट में बताना कि आपका आंसर सही आया था या नहीं. नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी, तो ये इसका आंसर आएगा वेन्स. जो इंजेक्टेबल मटेरियल होते हैं वो हमेशा वेन्स के अंदर लगते हैं, आर्टरीज के अंदर नहीं लगते हैं, वेन्स के अंदर लगते हैं, ताकि जो आसपास का एरिया है वहाँ पर जल्दी से जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए. तो वेन्स इसका करेक्ट आंसर आएगा. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2016 फेज टू से. सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन, सीरम जो है वो ब्लड से डिफर कैसे होता है? लैकिंग ग्लोबुलिन, लैकिंग एल्ब्यूमिन, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर या फिर लैकिंग एंटीबॉडीज. प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर. ओके, जो क्लॉटिंग फैक्टर के बिना जो होता है उसे हम बोलते हैं सीरम. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एआईपीएमटी 2009 से. ग्लोबुलिन्स कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन, जो ग्लोबुलिन्स होता है ह्यूमन ब्लड के अंदर वो कहाँ पर इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए है ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी. तो आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए. ग्लोबुलिन्स जो होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो किसके अंदर इन्वॉल्व होती है? वो होती है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी के अंदर, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.